हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब एक्चुअली अभी ना मेरी एक फ्रेंड है मेरी यूट्यूब पर फ्रेंड है उससे मेरी बातचीत चल रही थी व्हाट्सएप पे और सैलरी के बारे में बात चल रही थी यूट्यूब पे कितनी क्या बन रही है तो पता नहीं क्यों मेरे को ना मतलब माइंड में मेरे ना वीडियोस ऐसी ही बनती है मेरे से मतलब जो बात चल रही होती है तो दिमाग में आ जाता है कि हाँ चलो ये इस बारे में बात करते हैं तो मेरे को याद है आपने एक टाइम था करीबन आज से दो ढाई तीन महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि मैंने महीने के लाख रुपए कमाए हैं उठाए हैं यूट्यूब से तो मैंने आपको विद प्रूफ दिखाया भी था और वो बात सच भी थी तो आज मेरी फ्रेंड से मेरी यही बात चल रही थी मैंने कह रही थी मैं कि ना YouTube कहीं ना कहीं ना एक जुए की तरह है देखो हो सकता हो आप एक महीना तो आप लाख रुपए कमा लो और हो सकता हो आप दूसरे ही महीने बिल्कुल ही हजार कमाओ या दस हजार कमाओ तो यहाँ पे कुछ भी सैलरी ना फिक्स्ड नहीं होती है कि आपने आज लाख रुपए कमा लिए तो हर महीने आपके लाख आएंगे इवन मैंने उस वीडियो में भी बोला था मैंने कहा था कि ना मैंने एक महीना लाख रुपए उठाए थे तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अब हर महीने लाख ही रुपए आते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे आप कैसे इनकम बनाते हो कितनी कमाई हो सकती है क्या तरीका है मैं आपको सब कुछ बताऊंगी मैं अपना बताती हूँ पहले कि मेरा इस टाइम देखिए मेरे नॉर्मली इस टाइम व्यूज जो है मतलब बीस हजार तक आ रहे हैं तो ट्वेंटी के पे मेरी कितनी सैलरी बन रही है मैं आपको वो भी बता देती हूँ मेरे करीबन करीबन साढ़े चार से 500 रुपए बनते हैं मेरे अगर मेरे बाईस व्यूज आ जाते हैं तो अब आप, आप खुद देख लो अगर मेरे पंद्रह व्यूज आ रहे हैं तो मेरे ढाई के करीब रुपए बनते हैं आप कहोगे की आप गूगल पे सर्च करते हो तो ये कहता है कि दस व्यूज साढ़े तीन सौ बनते हैं, हैं वो बनते हैं लेकिन वो टाइम टू टाइम होता है जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो शुरू के महीने में ना हमारे पैसे कम बनते हैं अगर हम दस हजार व्यूज आ रहे हैं एक वीडियो पे तो आपके हो सकता है दो सौ रुपए बने दो सौ सवा दो सौ ढाई सौ के करीब रुपए बने कम बनते हैं थोड़े बनते हैं और भी बहुत सी चीजें जिनके ऊपर व्यूज के हिसाब से मतलब कितनी इनकम हो रही है वो डिपेंड करता है जैसे कि आपके एकदम से कितने लोग देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपकी वीडियोस पे मतलब व्यूज कितने मतलब स्पीड से आ रहे हैं या फिर कुछ और चीजें मैटर करती हैं सब्सक्राइबर पता नहीं क्या क्या होता है लाइक्स वगैरह सब कुछ मैटर करता है कि और हाँ सबसे पहली चीज तो पता है ये चीज भी होती है कि अगर कोई सब बंदा बन, बन, है मेरी वीडियो देख रहा है अगर उसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हो सकता हो मेरे मेरे उस वीडियो उसके उससे बनेंगे बीस पैसे पर अगर उसने सब्सक्राइब कर रखा है तो पच्चीस पैसे बन जाएंगे तो इसीलिए जितने भी यूट्यूबर्स हैं सब कहते रहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो तो मैं आपको सारी चीजें बता देती हूँ हाँ मैं इतना भी मैं अपनी सैलरी बता देती हूँ कि इन दिनों मेरी कितनी सैलरी आ रही है तो मैं अभी के टाइम में मेरी मुझे उम्मीद है देखिए मैं मेहनत काफी कर रही हूँ आप मेरे व्यूज देख सकते हो तो उस हिसाब से मैं आपको सच बताऊंगी जितना है उतना ही बताऊंगी तो देखिए एक टाइम था मैंने लाख रुपये कमाए फिर मैंने सत्तर भी कमाए साठ भी कमाए पचास भी कमाए तो अभी मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली मेरी जो सैलरी रहती है यूट्यूब से वो तीस से पचास के बीच में रहती है मैंने सच बताया था ठीक है लेकिन एक टाइम था जब मैंने लाख रुपए वीडियो से उठाए थे यूट्यूब से वो तब उठाए थे मैंने तब मेरे व्यूज आप देखो उस टाइम मेरे व्यूज आप देखोगे ना सत्तर सत्तर हजार व्यूज आए थे मेरी एक वीडियो पे मैं दिन की दो या तीन वीडियो डाला करती थी उस टाइम एक्चुअली क्या था कि मेरा शिफ्टिंग चल रहा था और उसके अलावा मैंने थोड़ा घर का काम भी करवाया था तब मेरे व्यूज अच्छे आए थे और एक चीज और मैं बता देती हूँ कि यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि आप ना आपको पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना भी पड़ता है यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है जैसे आप कपड़ों का बिजनेस करते हो वहां पे आपको कपड़ों के लिए क्या करना पड़ता है आप पैसे लगाते हो तब आपकी इनकम बनती है उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको मैं एक बात सच बताऊंगी दिल से बताऊंगी मैं झूठ नहीं बोलूंगी ठीक है जो बात है सो है मैंने ना एक बार मेरी ना मतलब व्यूज जैसे ना मेरे थोड़े ना ठीक ठीक चल रहे थे मतलब पच्चीस हजार तक आ रहे थे ठीक है बीस से पच्चीस हजार व्यूज आ रहे थे मेरे जब मैंने यहाँ पे घर पे मैंने मतलब मेरा काम हो गया था उसके बाद मुझे ये मालूम था कि अगर अब मैं कुछ भी काम नहीं करूंगी तो मेरे व्यूज डाउन जाएंगे या फिर मेरे व्यूज इतने ही बने रहेंगे तो उसको अगर मेरे को थोड़ा बढ़ाना है कि लोग मेरी वीडियो देखें तो मुझे कुछ काम करना होगा तो उस टाइम मैंने क्या किया था पूरे घर का रिनोवेशन शुरू कर दिया था करीबन एक महीना मेरा रिनोवेशन चला था जिसमें मेरे करीबन करीबन मैं बता रही हूं Uh, कितने पैसे लग गए थे मुझे याद नहीं आ रहा आई थिंक नब्बे हजार के करीब मेरे पैसे लग गए थे पिचासी से नब्बे हजार रुपए इससे ज्यादा बेशक लग गए हो इतने रुपए मैंने खर्चे ठीक है तब जाके उस महीने ना मेरे व्यूज इतने ज्यादा अच्छे आए थे मेरे करीबन पचास पचास हजार पैंसठ हजार इतने व्यूज आए मेरी वीडियोस पे तो मैंने जितना मैंने लगाया था ना पैसा लगाया था उस टाइम मेरी वीडियोस पे मैंने उतना उससे ज्यादा निकाल दिया था मतलब नब्बे हजार रुपए मैंने खर्चे ठीक है आपको हिसाब लगा लेना और उस महीने मेरी एक लाख तीस हजार रूपये सैलरी आ गई थी मतलब मेरी फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी सैलरी आई थी तो आप माइनस कर लो नब्बे हजार में से बचे कितने मेरे चालीस हजार मतलब मैंने इनपुट कितनी लगाई थी लेकिन मेरे को यह था कि चलो अपने ही घर का काम हो रहा है पैसे लग भी रहे हैं तो क्या दिक्कत है तो मैं ना बता यूट्यूब की सैलरी को ना एज अ मैं ये सोचती हूँ कि यार काम हो रहा है तो अगर एक बात बताओ अगर मेरी किसी महीने मेरी तीस सैलरी आ रही है ठीक है और एक महीना मैं ऐसे करती हूँ कि मैं तीस अपने खुद के खर्च लेती हूँ और मेरे उस महीने अगर बाईचांस मा, मान लो पचास हजार सैलरी आए तो फायदा किस चीज में है फायदा तो ये है ना कि आप अपने घर से पैसा लगा लो अगर आपके पैसे बाद में थोड़े ज्यादा बन जाते हो तो मैं आप हर वीडियो में देखना लोग करते हैं अपना हर कोई भी यूट्यूबर है आप बहुत पैसा खर्चता है अपनी वीडियोज पे आप ऐसे मत सोचना कि कुछ भी लगा देता है दिखा देता है अगर कोई मेकअप का ब्लॉगर है तो वो मेकअप की कितने अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदता है ज्वेलरी खरीदता है उसके बाद वो मेकअप की अपनी लुक्स लेकर आता है सामने तो उसमें कितना पैसा लगता है जितना हम कमाते नहीं है उसे ज्यादा हम कई बार लगा भी देते हैं या फिर अगर कोई वीडियो अगर तो आपकी हजार रूपये कमा रही है ना तो हजार रूपये बंदा लगा भी देता है तो मेरा भी यही हिसाब किताब रहा है मेरे को ये लगता है कि चलो मैंने लगाया पैसा इस घर पे बल्कि मेरे पास कमेंट्स भी आते थे, थे क्यों खर्चा कर रहे हो मेरे को लगा चलो कोई नहीं लगाया तो वो मेरे को आ तो मिल तो गया ना वापिस और कम से कम ये हुआ कि जो लगाया वो पैसा भी मिल गया और काम भी हो गया घर का तो इसलिए मैं ये चीज मेरे मन में हमेशा ये चीज रहती है कि यार पैसा अगर मेरे को ना यूट्यूब से अगर मेरा मेरे मन में रहता है अगर मैं घर से अपने घर से अपने खुद के पैसों से पचास हजार रूपये लगा रही हूं और अगर बदले में मेरा काम अच्छा चल रहा है मेरी वीडियो अच्छी चल रही है क्योंकि मैं पैसा लगाऊंगी तो वीडियो अच्छी बनेंगी ऑब्वियसली कुछ अच्छी चीजें नई चीजें ला सकती हूँ आपके सामने और मेरी वीडियोज अगर लोग देखेंगे तो पचास रुपए अगर मेरे आ गए बदले में चाहे मैंने एक रुपये मेरे हाथ में ना बचे लेकिन अगर पूरे भी हो गए ना तो मुझे लगता है कि हाँ यार बढ़िया है अच्छा है काम मतलब एक तरीके से फायदा ही है इसमें कोई नुकसान नहीं है अगर मैं पैसा भी लगा दिया तो क्यों क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका चैनल नहीं गिरता अगर आपका चैनल नहीं गिर रहा तो कम से कम आपको कुछ वीडियोस प्रमोशनल वीडियोस मिल जाती है क्योंकि वो हमें यूट्यूब की वजह से मिलती है अगर मेरा यूट्यूब नहीं चलेगा तो मुझे पी आर कम मिलेंगी या आ, उनके प्राइस कम हो जाएंगे मतलब पी आर का भी मैं आपको बता दूंगी एक काम करूंगी उसका मैं अलग वीडियो बना के आपको बता दूंगी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उनकी कुछ कंडीशन होती है कि हम सब कुछ खोल के आपके सामने नहीं रख

रुपए कमा लेते होंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता पर हाँ हम हाँ, महीने के ये होता है कि दस पंद्रह हजार रुपए निकाल ले सकते हैं से इतना हमारा हो जाता है ठीक है तो मैं आप, आपको बता देती कि अभी मेरे 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 चैनल चैनल का ग्राफ मैं बताऊं तो मेरे चैनल से मेरे को जहां तक लगता है अभी के टाइम में फरवरी की मंथ की मैं बता देती अभी ये मंथ मेरा चल रहा है तो इस महीने मुझे उम्मीद है कि मैं महीने के पच्चीस हजार तक निकाल लूंगी रुपए यूट्यूब की इनकम बता रही हूँ एक मिनट दीजिए मेरे को पता नहीं आजकल क्या हो रहा है मैं, मुझे हिचकियां सी आती हैं पता नहीं क्यों अजीब सी देखो बार बार आ रही है, अभी भी आ रही है। मतलब मैं ना बार बार मुझे ब्रेक सा लेना पड़ता है पता नहीं मैं ऐसा क्या खा रही हूं या मैं पानी ज्यादा पी रही हूं मैंने पानी की इनटेक बढ़ाई है वो पानी मेरे चढ़ रहा है पता नहीं क्या है आई डोंट नो तो मैंने अब घर की बात भी मैं कर लेती हूँ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि ना आप घर क्यों बना रहे हो घर क्यों बना रहे हो आप मैं आप सबसे मैं अपने दिल की बात शेयर कर रही हूं ठीक है जो बात है सो बोल दूंगी ठीक है देखिए मेरे मैंने आज तक आपसे कोई एक रुपया नहीं छिपाया जितना कमाया आपको बताया ठीक है अभी के टाइम में मैं अभी बता रही हूँ मेरा चैनल जितना चल रहा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में मेरे हो सकता है पन्द्रह बीस महीने के बनेंगे यूट्यूब से सैलरी या पच्चीस बन जाए या तीस बन जाए इसे ज्यादा नहीं आ रही है मेरी पिछले महीने भी ठीक गई थी लगभग लेकिन इस महीने का मतलब ग्राफ थोड़ा सा पता है क्या होता है देखो यहाँ पे क्या होता है कि पैसा लगाते हैं तब वीडियोस में पैसा कुछ मिल जाता है मैंने ये चीज़ देखी है ठीक है तो अब भी क्या है कि मैंने इस महीने पिछले डेढ़ दो महीने से क्योंकि जब ये काम हो गया रिनोवेशन का उसके बाद मेरी नॉर्मल वीडियोज आ रही है और नॉर्मल वीडियोज में हम क्या दिखाएंगे नॉर्मल लाइफ ही दिखाएंगे तो व्यूज थोड़े डाउन चले जाते हैं तो उस हिसाब से मेरे व्यूज ठीक आ रहे हैं क्योंकि मैं कुछ खास वीडियोस में दिखाई नहीं रही जिस हिसाब से आप गुड डालोगे उतना ही मीठा होगा जितना आप पैसा लगाते हो या काम करते हो या कुछ मेहनत करते हो उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलते हैं तो मैंने अब आपको बता देती हूँ घर के बारे में कि मैंने अपना घर बनाने का डिसीजन क्यों लिया है तो देखिये मेरे पास मैंने टोटल कुल मिला आपको बता रखा है कि मेरे पास टोटल चार लाख रूपये मेरे पास खुद के पास है इस टाइम जो मैंने मेरी खुद की सेविंग है जो मैंने की है और इसके अलावा लाख रूपये मेरी मम्मी मुझे

आते हैं लोग मुझे पूछते हैं कि आप घर क्यों बना रहे हो अभी इतनी उम्र में आपको क्या जरूरत है घर बनाने की देखो मुझे मेरा चैनल चलाना है सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप सबके सामने जो बात है मैं बोलती हूँ ठीक है मैं घर बनाऊंगी तो मेरे व्यूज आएंगे मुझे मालूम है ठीक है क्योंकि एक वो होता है ना कि घर बनाना क्योंकि मेक ओवर की वीडियोस लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लोगों को भी अच्छी लगती है और दूसरी चीज देखिए अब मेरे को ये है कि मैं यूट्यूब से मेरे देखो जब अगर मैं घर बनाऊंगी इस तरीके का काम मैं खुद करूंगी मेहनत से तो मेरे को पता है कि मेरे व्यूज थोड़े से बढ़ेंगे व्यूज का बढ़ने का मतलब ये होगा कि मेरी थोड़ी सैलरी अच्छी आएगी और जो सैलरी मेरे हाथ में आएगी वो मैं अपने घर पे लगाती रहूंगी मतलब जो भी है धीरे धीरे हर दो महीने में जैसे मैंने दिहाड़ी पे काम पे लगा दिए लोग तो उस हिसाब से मेरा पैसा चलता रहेगा तो मेरे YouTube से मेरी जो कमाई होगी मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगले एक साल में आने वाला जो एक पूरा साल होगा अगर मेरे, मेरे दिमाग में मैंने कुछ इस तरीके की थॉट्स बना रखे हैं कि अगर मेरी पूरी सैलरी मैं लगा दूंगी तो उससे क्या होगा कि हो सकता है कि मेरे हाथ में कुछ ना आए पैसा लेकिन एक घर तैयार हो जाएगा प्लॉट लेके मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ और मेरा चैनल भी चलता रहेगा मतलब मेरा चैनल गिरेगा ग्राफ नॉर्मल रहेगा मतलब वो भी बहुत बड़ी बात होती है आपका चैनल चल, चल रहा है और इस वजह से मतलब आप कुछ अच्छा दिखाओगे ऑडियंस भी मोटिवेट होती है कि देखो एक लड़की जो उनतीस तीस साल की है मैं इस साल तीस साल की हो जाऊंगी तो तीस साल की उम्र में मतलब अपना खुद का घर बनाएगी अकेली सिंगल लड़की तो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट ऑडियंस को भी मिलेगा लोगों को देखने को मिलेगा और सच में मेरे लिए भी बहुत अच्छा मैं भी बहुत मोटिवेट हो जाऊंगी अगर मैंने काम कर दिया तो लगेगा कि हाँ निधि तूने कुछ किया है जिंदगी में तो यही एक कारण है कि मैंने ये डिसीजन लिया है जिसको मैं छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है, है मेरा जिसकी जिसको पूरा करते करते हो सकता है कि मेरी लाइफ में भी बहुत पॉजिटिविटी आ जाए जो भी पैसा कमाऊंगी सारा घर पे लगाती रहूंगी करूंगी किसी तरीके से मेहनत अपनी तरफ से फुल कर रही हूं जितना मुझसे हो पा रहा है और दूसरी उम्मीद मुझे ये भी है कि हो सकता है इस वजह से मेरा YouTube का चैनल चलता रहेगा मैं ये नहीं चाहती कि मेरा YouTube चैनल बिल्कुल एकदम से नीचे चला जाए डाउन चला जाए इतना ज्यादा कि बिल्कुल डी होने लग जाए कि हर महीने की सैलरी आएगी नहीं आएगी ऐसा भी हो सकता है और ऐसा पॉइंट भी लाइफ में आएगा मैं ये इस चीज के लिए भी तैयार बैठी हूं लेकिन अपनी तरफ से मैं वो पॉइंट लाना नहीं चाहती इसीलिए अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स लगा रही हूँ मैं और अपनी तरफ से मेरी कोशिश है हाँ और मैंने अपनी सैलरी बता दी है कि अभी मेरी यूट्यूब से मेरी सैलरी एवरेज मेरी बीस से पैंतीस हजार के बीच में मेरी बन रही है इस टाइम वो भी क्यों क्योंकि मेरी मेहनत बहुत ज्यादा है हो सकता है चालीस हजार भी आ जाए किसी महीने में ज्यादा मेहनत करूं पर उम्मीद है क्या पता मैं आपको घर बनाओ के दिखाऊं सारा काम करे तो हो सकता है मेरे ज्यादा भी इनकम बन जाए पचास हजार साठ हजार भी बन जाए तो ये ऐसा ही है यहाँ पे किसी महीने आप लाख कमाओगे किसी महीने आप दस भी कमाओगे यही यहाँ यूट्यूब पे इतना चलता है तो अः uh, अभी का टाइम मैंने बता दिया है मैंने आप गूगल कर लो कितने व्यूज पे कितनी सैलरी बनती है और मैं आपको कम इसलिए बताया क्योंकि इस टाइम कम बन रहे हैं और साथ के साथ आ, पता नहीं क्या रीज़न है बट डॉलर इस टाइम बहुत ज़्यादा कम बन रहे हैं पैसे इतनी ज़्यादा इनकम नहीं आ रही है मुझे जहां तक लग रहा है ना आने वाले टाइम में मेरे को पी आर वीडियो से ज़्यादा मतलब कोशिश करनी पड़ेगी अपनी इनकम बनाने की क्योंकि यूट्यूब से सैलरी यूट्यूब इतना ज़्यादा हम भरोसा बैठ नहीं सकते हैं तो ठीक है अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ और मेरे को ये प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ मुझे काम करना है मुझे मेरा घर तैयार करना है क्योंकि मेरे लिए ये बहुत सही डिसीजन है मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है कि मेरे खुद की लाइफ के लिए भी अच्छा है ये काम मेरे चैनल के लिए भी अच्छा है तो मैंने आपको सब कुछ खोल के रख दिया है सारी बात आपको बता दी है कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा आगे नेक्स्ट वीडियो कभी बनाऊंगी उसमें बात कर लेंगे इस बारे में तो इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक है जी बाय बाय